जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 स्टेशन, पिछले 100 साल में यह काम नहीं हुआ होगा। 25 फरवरी को ही झारखंड में अस्पतालों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हां, कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी
भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है, तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने तो बढ़िया वर्णन किया इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं, ये लोग जांच से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार है, इतने प्रतिभाशाली नौजवान है, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है, आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है।